Good evening, welcome all. Today we are going to discuss short tricks for sequence and series. Here, the nth term of the series is, so we have to show whether it is convergent, divergent, conditionally convergent or oscillate. Dekho, iske liye kya karna hai? Ye un hame given hai, nth term, so humne numerator ki degree dekhni hai, denominator ki dekh leni hai. इसकी n की पावर 1 बाय 2 है और यहाँ पे n की पावर हाईएस्ट डिग्री 2 है. 2 माइनस 1 बाय 2 सो 3 बाय 2 आता है. सो 1 अपॉन n रेस टू पावर 3 बाय 2 बाय पी टेस्ट. पी टेस्ट क्या बोलते हैं कि अगर n की पावर p ऐसे समीशन n रेस टू पावर p अगर p ग्रेटर देन 1 है और अगर p लेस देन 1 है, दो कंडीशन बनती है. p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, अगर p लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है. यहां पे n 3 बाय 2 है, ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है. nth टर्म ऑफ द सीरीज गिवन है, हमें सिर्फ ये शो करना है कि वेदर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट. सीधा डिग्री देखो और सॉल्व कर दो. देखिए नेक्स्ट हम देखें the series, the series 1 upon 1 into 2 plus 2 into 3 into 4, 3 into 5 into 6 up to so on, up to infinity. ये हमें series given है, इसे हमें बताना है कि whether it is convergent, डाइवर्जेंट या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट. या ऑसिलेटरी. वेरी सिंपल. सो सबसे पहले इसकी nth टर्म बनाएं. nth टर्म 1, 2, 3. तो ये जब भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है तो ये हमारे पास nth टर्म क्या बनती है, n 1, 3, 5. ये 2n माइनस 1 बनेगी और 2, 4, 6 ये 2n बनेगी. un 1, 2, 3 ये nth टर्म n बनेगा और इसकी nth टर्म 1, 3, 5. 2n माइनस 1 2, 4, 6 है, 2 के मल्टीपल है तो 2n बनेगी. इसकी डिग्री देखें, इसकी डिग्री देखें, इसकी डिग्री कितनी है, n की पावर 1 ही है. यहां पे n इंटू n, n स्क्वायर है, 1 बाय n आ गई. इट मींस p हमारे पास 1 आ गया. सो ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है. ये क्या है, डाइवर्जेंट है क्योंकि p ग्रेटर देन 1 आए तो कन्वर्जेंट है और p अगर लेस देन इक्वल टू 1 आए तो डाइवर्जेंट होती है. यहां 1 है सो ये क्या है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है. नेक्स्ट हम की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. सम्स करने से पहले कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. नंबर वन कि कोई भी ऐसी सीरीज जो एन वेरीज फ्रॉम टू टू इंफिनिटी होगी वन अपॉन लॉग एन होगी इज ऑलवेज कन्वर्जेंट. सेकंड, कोई भी ऐसी सीरीज एन वेरीज फ्रॉम टू टू इंफिनिटी वन अपॉन लॉग एन रेज टू पावर पी Always divergent. Number three. ऐसी सीरीज n varies from 2 to infinity 1 upon n log n की पार की. ऐसी सीरीज हमने कल भी बात की थी. ये वाली सीरीज और
दूसरा फोर्थ, नंबर फोर्थ समेशन एन वेरीज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी, टू टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन लॉग एन होल की पावर पी। फिफ्थ हमारे पास है समेशन एन वेरीज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी लॉग एन अपॉन एन रेज टू पावर पी। और एक और है सिक्स्थ समेशन एन वेरीज फ्रॉम थ्री टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन लॉग एन, और लॉग लॉग एन होल रेज टू पावर पी। और इन सभी में ऐसी जितनी भी सीरीज है ये नंबर ए कन्वर्जेंट होगी इफ पी ग्रेटर देन वन होगा, और डाइवर्जेंट होगी अगर पी जीरो से बड़ा और वन से छोटा। पी ग्रेटर देन वन और लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है जी। सो इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सम होगा समेशन एन वेरीज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन अंडर रूट लॉग एन, सो इसमें क्या है समेशन एन वेरीज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन लॉग एन की पावर वन बाय टू, वन बाय टू पावर वन बाय टू, पावर वन बाय टू, ये क्या है पी इज इक्वल टू वन बाय टू, यानी कि लेस देन वन आती है, लेस देन वन आती है, लेस देन वन आती है, तो ये क्या है डाइवर्जेंट है, ये क्या है डाइवर्जेंट है, करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा हो समेशन एन वेरीज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन लॉग एन रेज टू पावर थ्री बाय टू हो, तो उस केस में हमने क्या करना है थ्री बाय टू, यहां पे 3 बाई टू क्या है पी की वैल्यू 3 बाई टू ग्रेटर देन वन, तो ये क्या है ये कन्वर्जेंट हो गया, ये क्या हो गया कन्वर्जेंट हो गया। देखिए कि वो टाइप बन रही है कि नहीं बन रही। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन है समेशन एन वेरीज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी log n upon n raised to power 2, log n upon n raised to power 2, तो इस ये कैसा comparison है, इसको अगर हम summation n varies from 2 to infinity log n upon n raised to power p है, so p क्या है greater than 1 है, so क्या है convergent है, p greater than 1 है तो convergent है, समय लग रहा है। नेक्स्ट देखें समेशन एन वेरीज फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन लॉग एन की पावर पी। अब ये दे रखा है, इसमें क्या है इसमें दो कंडीशन बनती है, कन्वर्जेंट है इफ पी ग्रेटर देन वन, और डाइवर्जेंट है अगर पी ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू वन हो, इस केस में ये बनता है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।